ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद और विधायकों की इस समय जान आफत में पड़ गई है। इस समय टीएमसी के सांसद और विधायक रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। रात में उन्हें डरावने सपने आ रहे हैं। रात में उन्हें इतने डरावने और भयभीत करने वाले सपने आ रहे हैं कि उन्हें रात भर नींद नहीं आती। वो बिस्तर से उठकर इधर उधर टहलते हैं, भागते हैं। और ऐसे में तमाम ऐसे सांसद और विधायक हैं टीएमसी के जो मानसिक रोगी होते जा रहे हैं, जो बीमार होते जा रहे हैं और उनके सामने मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। दरअसल जब से कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में बेटी के साथ यानी लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई है, उसके बाद से जिस प्रकार से ममता बनर्जी सरकार का या ममता बनर्जी का खास तौर पे कहा जाए रवैया रहा है, उस रवैये को देखकर टीएमसी के सांसद विधायक भी डर गए, वो भी भयभीत हो गए, वो भी घबरा गए। टीएमसी के सांसद और विधायकों ने सोचा कि यदि उनकी बेटी के साथ कभी कुछ इस तरह की घटना हो गई तो ममता बनर्जी सरकार गुंडे और अपराधी को बचाने का काम करेंगी। ममता बनर्जी ऐसे आरोपियों को संरक्षण देने का काम करेंगी और इसीलिए टीएमसी के सांसद और विधायक पूरी तरह से डरे हुए हैं, पूरी तरह से वो भयभीत हैं, घबराए हुए हैं। और हालत ये है कि रात में जब वो सोते हैं तो उन्हें सपने में उनकी बेटियां दिखाई देती हैं। अब यहां पर नैतिकता का मामला आ गया है, यहां पर मानवता का मामला आ गया है कि कोई किसी भी चीज को बहुत दिनों तक आप टाल नहीं सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। टीएमसी के सांसद और विधायक भले ही पार्टी से बंधे हो, भले ही वो ममता बनर्जी के अनुशासन में बंधे हो, ममता बनर्जी से कुछ कह नहीं पा रहे हो, लेकिन नैतिकता की जब बात आती है तो जमीर कहीं ना कहीं या अंतरात्मा कहीं ना कहीं बोलने लगती है। और यही अंतरात्मा ममता बनर्जी के सांसद और विधायकों की अब बोलने लगी है और इसीलिए वो डरे हुए हैं, भयभीत होने लगे हैं। उनके मन में एक टीस है, उनके मन में एक सवाल है कि ममता बनर्जी को जिस तरह से त्वरित कार्रवाई लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई ममता बनर्जी ने नहीं करी, उल्टा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बचाने का काम किया, जो आरोपी था, मुख्य आरोपी था, उसे बचाने का काम किया और मुख्य रूप से जो मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ हुई, सबूत को मिटाने का जो काम किया गया, अराजक जो भीड़ आई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार का, ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए एकाएक हजारों की संख्या में भीड़ आई और जिसने पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज में सबूत को नष्ट करने का काम किया। ये सारी बातें अब टीएमसी के सांसद और विधायक सोचने लगे हैं। और कहावत भी कहा गया है, ये बात भी कही गई है कि जब अपने पर आफत आती है, अपने पर मुसीबत आती है, तब व्यक्ति को समझ में आता है, तब उसे लगता है कि उसके साथ उसने कितनी बड़ी भूल की है, उसने कितनी बड़ी चूक की है। और यही कारण हो रहा है कि जब टीएमसी के सांसद और विधायकों को यह समझ में आने लगा है कि इस मामले में, लेडी डॉक्टर के मामले में, ममता बनर्जी ने जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए। ममता बनर्जी कई मामलों में सख्त कदम उठाने के लिए जाने जाती हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिस पर ममता बनर्जी कठोर कार्रवाई करती हुई नजर आती हैं, लेकिन इधर कुछ वर्षों में देखा जाने लगा था कि ममता बनर्जी अपराधियों को, गुंडों को, अराजक तत्वों को, और खासकर कहा जाए रोहिंग्या मुस्लिमों को, और खासकर कहा जाए तो बांग्लादेशियों को जो घुसपैठ कर चुके हैं, उन सबको संरक्षण देना, उन सबको छूट देना और उन सबको खुलेआम अपराध करने के लिए, जैसे मानो ममता बनर्जी ने प्रमाण पत्र दे दिया हो, इस तरह का काम कर रही हैं। और इसीलिए टीएमसी के सांसद और विधायकों को यह डर सताने लगा कि कहीं पर कल को उनकी बेटी के साथ इस तरह की हैवानियत हुई, कल को कहीं ना उनकी बेटी के साथ इस तरह की गलत काम हो गया दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, तो फिर तो उनका पूरा का पूरा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, फिर उनकी सांसदी और विधायकी सारी की सारी धरी रह जाएगी। बताया तो यहां तक जा रहा है
कि तमाम ऐसे सांसद और विधायक हैं टीएमसी के जिन्हें रात रात भर नींद नहीं आ रही। जो रात में सोते हैं तो उन्हें सपने आने लगते हैं, जो रात में सोते हैं तो उनके आंखों के सामने उनकी बेटियों का चेहरा दिखाई देने लगता है, बेटियां उनकी चीखती हैं, चिल्लाती हैं और कहती हैं कि पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। वो घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। बेटियां कहती हैं कि पापा मैं आपकी सोन चिरैया हूं, पापा मैं आपके आंगन की चिरैया हूं, पापा मैं आपके उस पिजड़े की चिरैया हूं जो कुछ वर्षों आपके साथ रहूंगी और फिर उसके बाद मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। दुल्हन बनके आप मुझे डोली में बिठाओगे, पापा आप मुझे सजाकर डोली में बिठाकर विदा करोगे, लेकिन कहीं किसी हैवानियत ने मुझे मेरे साथ कुछ कर दिया, कहीं किसी अराजक तत्व ने मेरे साथ कुछ गलत काम कर दिया तो पापा आपके सपने चकनाचूर हो जाएंगे, आपके सपने पापा टूट जाएंगे, आपके सपने पूरी तरह से बिखर जाएंगे। पापा आप मुझे कैसे डोली पर बिठाओगे, आप कैसे मुझे विदा करोगे, आप बताओ ना। जब आपकी सरकार में, जब पश्चिम बंगाल में अराजकता की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है, इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है अब जिसे गिराया नहीं जा सकता, चारों तरफ अराजकता अराजकता दिखाई दे रही है, चारों तरफ पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी दिखाई दे रही है, चारों तरफ पश्चिम बंगाल में अपराध और बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हालात में तमाम सांसद और विधायकों की जो बड़ी बेटियां हो गई हैं उनके मन में सवाल कौंधता है, और वही सवाल जब सपने बनकर इन सांसद और विधायकों के रात में सताने लगते हैं तो फिर जो है ये सांसद विधायक रात रात भर रो रहे। जब ये बेटियां कहती हैं कि पापा आप बताओ तो, आप जिस पार्टी के सांसद और विधायक हो उसी पार्टी के मुख्यमंत्री जब हमारे साथ यानी हमारी एक दोस्त के साथ, हमारी एक बेटी के साथ यानी हमारे ही एक बिरादरी के साथ, ये लेडी डॉक्टर के साथ इस तरह की हैवानियत होती है तो वही मुख्यमंत्री महिला होने के बाद भी उस आरोपी को बचाने का काम करती हैं। लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरह से हैवानियत हुई, जिस तरह से उन्हें टुकड़े टुकड़े उनके शरीर के करने की कोशिश की गई, हाथ पैर गर्दन सबको तोड़ दिया गया, उसके बावजूद महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनका मन पसीजा नहीं, ममता बनर्जी का मन पसीजा नहीं। तो इन सांसद और विधायकों की बेटियां सवाल अपने पापा से करती हैं, अपने पिता से करती हैं कि आप एक बार प्लीज बताओ, एक बार कह दो कि क्या मेरे साथ भी कुछ अगर कहीं हो गया, कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो क्या आप अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़े रहोगे? तब तो आप अपनी बेटी को भी न्याय नहीं दिला पाओगे, फिर तो आप अपनी बेटी के लिए भी कदम नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आप तो किसी एक पार्टी से बंधे हो, ममता बनर्जी की पार्टी से बंधे हो। इस तरह के सवाल टीएमसी के सांसदों और विधायकों को रात रात भर आ रहे हैं और इस समय वो पूरी तरह से टूट गए हैं, हार गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है नैतिकता के आधार पर तमाम टीएमसी के सांसद और विधायक वो पार्टी को छोड़ना शुरू कर दें, वो त्याग पत्र देना शुरू कर दें और वो टीएमसी से अपना रिश्ता नाता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। क्योंकि जब राजनीति परिवार पर आ जाती है और परिवार को भी छोड़ दो, कहीं राजनीति का ये जो दंश है या राजनीति का वो काला कंस है वो अगर बेटियों तक पहुंचने लगे, बेटियों तक पहुंचने लगे तो कोई भी नेता, भारत का कोई भी नेता चाहे कितना भी राजनीति के लिए कुछ भी करने को हो, लेकिन अगर कहीं पर बेटियों पर आंच आती है, कहीं बेटियों पर उसके किसी भी तरह से कोई भी हाथ उठाने की कोशिश करता है तो कोई भी सांसद और विधायक कैसा भी होगा, कितना भी कमजोर होगा, कितना भी पार्टी में बंधा रहेगा, लेकिन वो उस दुष्ट का हाथ तोड़ देगा, ऐसे हैवानियतों की आंखें निकाल लेगा, वो उसे सबक सिखाने से पीछे नहीं रहेगा।
किसी भी पार्टी में बताओ। तो ऐसे में जब परिवार की पर बात आती है, जब अपनी ही खुद की बेटियों पर बात आती है, तो फिर कोई भी सांसद और विधायक वो पार्टी छोड़ने से पीछे नहीं हटेगा। तो हो सकता है कि टीएमसी में बहुत तेजी से सांसद और विधायक पार्टी छोड़ना शुरू कर दें, टीएमसी से अपना नाता तोड़ दें, ममता बनर्जी से अपना नाता तोड़ दें और ममता बनर्जी से सवाल बार बार यही पूछें कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ, लेडी बेटी के साथ जो हैवानियत हुई, जिस तरह से निरसंस तरीके से उसे मौत के घाट उतारा गया, ममता दीदी आपने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं आप जूनियर डॉक्टरों के साथ खड़ी हुई? क्यों नहीं जूनियर डॉक्टरों से आपने बात करी? क्यों नहीं जूनियर डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि हम बेटी के साथ हैं, हम बेटी के पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम हर हाल में न्याय दिला के रहेंगे, हम हर हाल में बेटी को न्याय दिला के रहेंगे और अपराधी को फांसी के फंदे तक जरूर कानून के तहत लेकर दम लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी हर समय हर मौके पर लेडी छात्र डॉक्टर के साथ जिस तरह से हुआ उस मामले में हर मौके पर उन्हें आरोपियों को बचाते हुए नजर आई, आरोपियों के साथ खड़े होते हुए नजर आई। क्योंकि जब अपराध का दरिया बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता, आप उस पर रोक नहीं लगाते हो, आप उस पर ब्रेक नहीं लगाते हो, तो फिर वो अपराध का दरिया आपको भी आगोश में ले लेता है और उस दलदल में आपको भी डूबना पड़ता है, आपको भी उसमें समाना पड़ता है। और यही डर, यही भय टीएमसी के सांसदों और विधायकों को सताने लगा है। उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ममता बनर्जी ने रोहिणा मुस्लिमों को, ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल में शरण दे रखी है। और ये रोहिणा मुस्लिम और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, जरा भी इनकी ताकत बढ़ गई, जरा भी इनके हाथ में खंजर खतरनाक आ गए और इनके हाथ मजबूत हो गए, तो इन सांसद और विधायकों को पता है कि वो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे और ममता बनर्जी को भी नहीं छोड़ेंगे। यानी वो जान चुके हैं, टीएमसी के सांसद और विधायक पश्चिम बंगाल के हाल को देखते हुए, पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए वो पूरी तरह से समझ चुके हैं ये बांग्लादेशी और रोहिणा मुस्लिम किसी भी तरह से उन्हें छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि वो सीमा पार बांग्लादेश में हालात को देख रहे हैं, बांग्लादेश में स्थिति को देख रहे हैं और वहां के हालात को देखने के बाद उनकी रूह कांप रही है कि किस तरह से हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार अपराध किया जा रहा। ऐसे हालात में उन्हें डर सता रहा, ऐसे हालात में वो भयभीत हैं कि पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेशी बहुत बड़ी संख्या में आ गए हैं, पश्चिम बंगाल में भी रोहिणा मुस्लिम बड़ी संख्या में आ गए हैं और कहीं ऐसा ना कर दे कि पश्चिम बंगाल को भी बांग्लादेश बना दे। इसलिए जब अपने परिवार पर संकट आता है, जब अपने परिवार पर खतरा मंडराने लगता है, तो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, उसे अपनी कुर्सी प्यारी नहीं होती है, उसे अपना परिवार प्यारा होता है। और टीएमसी के सांसद और विधायकों को यही खतरा मंडराने लगा है कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिणा मुस्लिमों को इतना ज्यादा शरण दे रखा है कि वो कभी भी उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए, उनके मकान के लिए, उनकी बहन के लिए, उनके बेटियों के लिए खतरा बन सकते हैं, खतरा साबित हो सकते हैं, और इसलिए अब वो चुप रहने वाले नहीं हैं। बहरहाल जो रात में उन्हें सपने आ रहे हैं टीएमसी के सांसद और विधायकों को, वो उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहे। और मैं दावे के साथ यही कहता हूं कि भले ही केंद्र सरकार ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त नहीं करे, भले ही ममता बनर्जी को हटाकर राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में नहीं लागू करे, लेकिन निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि ममता बनर्जी को भी नैतिकता का वो भूत रात में सताएगा आने वाले दिनों में, और चीख चीख कर वो लेडी डॉक्टर न्याय मांगेगी और वो बार बार रात में सपनों में आकर ममता बनर्जी से ये सवाल करेगी कि दीदी मैं भी तो बेटी थी, मैं भी तो बिटिया थी, मैं भी तो किसी आंगन की सोन चिड़ैया थी, मैं भी तो किसी आंगन में फुदकती हुई चिड़िया थी, मैं बड़ी हुई और फिर पढ़ाई मैंने की और पढ़ाई करने के बाद मैं डॉक्टर बनी
और मेरे साथ ऐसा न्याय क्यों, मेरे साथ ऐसा न्याय क्यों। फिर ममता बनर्जी किसी भी तरह से जवाब नहीं दे पाएंगी, नहीं दे पाएंगी। तो इसलिए नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी निश्चित तौर पर छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि एक बेटी का सवाल है और वो देश भर की बेटी की सुरक्षा का सवाल है। जिस तरह से कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई है, वैसा अब अन्य बेटियों के साथ ना हो, कड़ा देश में कानून बने। इसके बारे में आप सब कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय दीजिएगा।